की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं लेकर हाजिर हूँ स्वीटी शर्मा आपके साथ। चलिए बिहार के उन तमाम प्रमुख खबरों से रूबरू करवाएंगे आपको। कुरकुरे को लेकर हुआ था विवाद, महिला को गवानी पड़ी जान। मामला भागलपुर के अंतीचक थाना क्षेत्र के परशुरामचक गांव के है। गांव वालों ने जेठ और जेठानी को किया पुलिस के हवाले। भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में युवा कप टूर्नामेंट का हुआ शानदार आगाज। मैच का उद्घाटन लॉ एंड ऑर्डर के डीएसपी गौरव कुमार, सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने फीता काट कर किया। इस मौके पर युवा कप के आयोजक एवं नगर निगम वार्ड पार्षद नंद किशोर सैंडल ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए 3 दिवसीय योजना आयोजन किया। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के साइनो के रहने वाला राजू तांती का 26 वर्षीय पुत्र अंगद तांती का सड़क दुर्घटना में हुई मौत। गुजरात में रहकर करता था मजदूरी, कुछ दिन पहले ही छठ पर मनाने आया था अपने गांव। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की है, जहां कॉलेज के रवैये से तंग आकर मेडिकल फर्स्ट ईयर के छात्र ने अपने ही रूम में गले से फंदा लगाकर अपनी जीवन कर ली लीला समाप्त। की पहचान पटना के राजीव रंजन के रूप में हुई। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के बंसी टिकट से है, जहां 29 नवंबर को शादी के नियत से एक नाबालिका युवती के अपहरण करने के मामला आया सामने। युवती की मां ने अपहरण का आरोप गांव के ही सागर कुमार के ऊपर लगाया। रोहतास में एक साथ एनआईए की दो टीम ने मारा छापा। मामला डेहरी थाना क्षेत्र के बीएमपी विद्युत कॉलोनी में पटना और बेंगलुरु की टीम ने विद्युत विभाग के एक कर्मी के सरकारी आवास पर छापेमारी की है। मामला फेक करेंसी से जुड़ा बताया जा रहा है। गांधी चौक पर मची अफरा तफरी, बता दे डबल डेकर पुल निर्माण कार्य के दौरान पुल के ऊपरी हिस्से से लोहे का गर्डर कंटेनर पर जा गिरा। गर्डर गिरने से हुआ तेज धमाका, जिससे आसपास के लोगों में मचा कोहराम।